किसान भाइयों, हम आज आए हुए हैं अमन इंडस्ट्रीज, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निर्माण होता है। और ये कृषि यंत्र इंडिया में तो सेलिंग है ही, इंडिया से बाहर कई देशों में हमारे अमन एग्रो इंडस्ट्रीज के कृषि यंत्र जाते हैं। और सर से इसके बारे में पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। हमारे वैसे तो तकरीबन 40 से 45 तरह के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं। थ्रेशर में ही हमारे पास 20 से 22 मॉडल हैं। ये तो डॉलर मॉडल है, जो छोले वाला चना होता है। और हमारे क्षेत्र में छोले वाला चना ज़्यादा होता ही है। इसके अलावा थ्रेशर हम भारत में कुछ 7 से 8 राज्यों के अलावा हम एक्सपोर्ट में यूरोपियन कंट्रीज जो है गाम्बिया, सेनेगल, वहाँ पर हमने डॉलर के, धान के, मक्का के, ये 4-5 प्रकार के थ्रेशर बेचे हैं। कुछ अफ्रीका के उस क्षेत्र में भी जी वहाँ से भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। अब आगे देखते हैं और क्या होता है। सर इस जो मल्टीक्रॉप थ्रेशर मशीन है, इसके बारे में बारीकी से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिएगा। अमूमन थ्रेशर तो सारे ही अच्छे होते हैं और हमारे बनाने वाले भी सारे भाई लोग अच्छे से ही बनाते हैं। पर जो मूलतः कुछ चीज़ों में फ़र्क हमने जो देखा, जैसे कि ये जब जाली, जो चन्ना जाली है, पूरा गीला रहता है माल उसमें, तो पूरा गीला माल जब इसमें पड़ा रहता है ना, तो जाली जल्दी से सड़ जाती है। तो पहले सब लोहे की जाली यूज़ करते थे हम लोग भी, फिर हमने इसमें बदलाव किए। अच्छा। हमने इसमें जीपी शीट करी, जैसे कि हमारे घर की चादर जो होती ना टापरे की, वो वाली जीपी शीट होती, तो सड़ती कम रहती, उसमें माल क्या हमेशा पड़ा रहता है। तो हमने यहाँ बदलाव किए, कलर अगर रहेगा तो मशीन कम जंग पकड़ेगी। तो हमने कार का जो कलर यूज़ होता है पीयू पेंट, वो यूज़ करना चालू कर दिया। और बेल्ट और ये फिटिंग का फिटमेंट जो है इस तरह से किया है कि किसान को जितना हो सके बिना मैकेनिक के खुद घर पर ही हम जो सेट देते हैं टूल किट का, उससे ही सेट कर लें। सर आपका जो सिस्टम है छन्नी अन्नी बदलने का, वो भी बहुत सरल है, थोड़े हमारे किसान भाइयों को ये भी। हाँ, अगर आप देखें तो बाकी थ्रेशरों में बीच में से पीछे से पूरा खोल के निकालना पड़ता है। हमारे इसमें यह सिस्टम है कि पूरा खोल लो यहीं से और यहीं से बाहर निकाल लो, यहीं से अंदर डाल दो। ये तो हो गया चन्ना जाली। ड्रम जाली में भी ये 4 बोल्ट खोले और पूरा यहीं से ड्रम में जाली फिट कर दी। पहले पूरा थ्रेशर को उठा के बाहर करना पड़ता था, अब यहीं से या तो जाली बदल दी, और अगर बोल्ट की सेटिंग भी करना रही, जैसे कि सोयाबीन में बोल्ट बड़े रहते हैं, गेहूं में और बड़े रहते हैं, चने में थोड़े छोटे रहते हैं एक बड़ा, तो वो यहां से निकाल के यहीं से सेटिंग करके ही पूरा खोलना नहीं पड़ता। सर इसमें जो स्टील का यूज़ किया है, चद्दर का यूज़ किया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? टाटा SR की शीट्स हैं, जिंदल की शीट्स हैं, जो कंपनी से ही आती है। बेरिंग NBC, SKF, टिमकन, टॉप क्वालिटी के बेरिंग है, वही यूज़ करते हैं। थोड़ा सा सर ये जो नया सिस्टम लगा हुआ है, अन्य थ्रेशरों में नहीं रहता है, इसके बारे में बताइए। ये बीच का एक हमारा रोटर टाइप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब फसल पूरी गिरती है तो अंदर इकट्ठी गिर जाती है। हमारा ये मानना है कि अगर इकट्ठी गिरेगी तो वो चोक करेगी या जाम कर देगी। ये रूटर होने से फसल को फैलाता है चारों तरफ, ताकि उसकी छलनी भी अच्छी हो, निकासी भी अच्छी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा माल जल्दी से जल्दी थ्रेशर से आउटपुट हो जाए। सर इसमें हमने देखा है आपके थ्रेशर में मशीन में कि इसमें जो एक्सल है काफ़ी लंबा लगा हुआ है, उसका भी रीज़न बताइए। एक्सल लंबा होने का कारण ये है कि हमारे क्षेत्र में या किसानों के क्षेत्र में मार्ग बड़े छोटे, लंबे चौड़े, कीचड़ वाले होते हैं, तो मशीन पलटी ना खाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा एक्सेल लिया है, ताकि कभी झटका भी पड़े एक तरफ गिर जाए तो दूसरी तरफ से संभाल लिया जाए। काफी सर सुरक्षा के इंतजाम भी दिए हुए हैं, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं है और हम सुरक्षित नहीं है तो ये सब चीज़ का कोई उपयोग नहीं है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी मजदूर भाई काम कर रहे हैं उनके हाथ पंजे ये नहीं आए, इसलिए सारी चीज़ों को कवर तो किया है, लेकिन पढ़ ना पाए तो इन सब दिशाओं से भी समझाया गया है कि इस तरह से इसको संचालित करें। सर थोड़ा सा इस थ्रेशर की और विशेषताओं के बारे में बताइए। अगर आप देखेंगे तो ये जो झूला है, यहाँ का हमने जो एंगल लिया है, ये हैवी वाला एंगल है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा लोड आता है। पूरा माल जो निकलता है वो इस झूले पर ही बोझ देता है। ऐसे देखा जाए तो व्हील सबसे हैवी है, लेकिन वास्तविकता में इस पर लोड बहुत आता है, तो हमने इसको डबल एंगल करके हैवी किया है। साथ ही हमने नीचे ग्रेडिंग सिस्टम भी दिया है, जैसे माल निकल जाए तो अगर उसके बाद भी कुछ कचरा बचे तो अलग अलग जालियों की तरह फिल्टर होके ये उधर से बाहर हो जाता है। ये जाली अपन को अलग अलग फसल के हिसाब से बदलनी पड़ती, बिल्कुल ये जालियाँ बदलनी पड़ती। और मान लो अगर हमको वो निकालना नहीं है, सीधा ही माल निकालना और आउटपुट ज़्यादा चाहिए,
तो इसको हम यहाँ कपड़ा फंसा के ही बंद भी कर सकते हैं। वो माल सीधा यहाँ आ जाए जी। और यहाँ पर अगर देखेंगे डबल डॉलर में बेल्ट सिस्टम दिया है हवा कम ज्यादा के लिए, इसमें हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेल्ट दिया है जी, जी, जी। ये वाला बेल्ट, ये बेल्ट का अभी कोई उपयोग नहीं है, लेकिन किसान जब ये बेल्ट चलाता है, मशीन चलती है, आज नहीं आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद कभी खुदा न खास्ता वो बेल्ट अगर टूट जाए तो उसे मशीन नहीं खोलनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट ये वाला बेल्ट लगा दे 5 से 10 साल तक और यूज कर सकते। बिल्कुल 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 सर, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। ये तो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर किसान खड़ा होगा या मजदूर खड़ा होगा और इसका मजबूत होना जरूरी, क्योंकि माल पूरा बराबर यहाँ से जाएगा। सर बोल्ट वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत हैवी बोल्ट लगाए हुए हैं। हम लोग क्वालिटी में कभी भी समझौता करते ही नहीं है। जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना उसकी लाइफ ज्यादा होगी और रिजल्ट अच्छा होगा। सर थोड़े ड्रम साइज के बारे में और इसमें जो बोल्ट या कटर लगे हैं उनकी खासियतों के बारे में बताइएगा। ड्रम साइज जैसे इसका 35 HP है तो 33-39 का ड्रम साइज है। और बोल्ट अंदर बड़े छोटे और कटर इसलिए लगाते हैं कि जो गीला माल होता है जैसे कि सोयाबीन में गीला माल होता है तो कटर ज्यादा काम करता है बजाय बोल्ट की जगह। और सूखा माल होता है तो कटर निकाल देते हैं, अन्यथा वो जो कटर है वो उस दाने को तोड़ता है। तो ये हमें हमारी जरूरत के हिसाब से हमने अंदर सेटिंग दे रखी है कि गीला है तो कटर बढ़ा दो, सूखा है तो कटर निकाल दो। सर हम जब फील्ड पे जाते हैं, हमने इस मशीन को चलते हुए देखा है, हमारा किसान बताता है कि यार इसमें हमारे डीजल की खपत भी कम आती है और ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता, तो इसमें इसका क्या राज है? उसका कारण है इसके फ्लाई व्हील। अच्छा, इसमें हमने हेवी फ्लाई व्हील डाले हैं, 125 किलो का इसका वजन है और एक का दो का हो गया 250 किलो सिर्फ फ्लाई व्हील का। और ये 2 पार्ट में, ताकि कहीं कोई समस्या है तो खोल के रिपेयरिंग करके बंद कर दे। इससे क्या होता है कि एक बार मशीन चलने के बाद पूरा व्हील ही मशीन को चलाता है, तो ट्रैक्टर पे लोड कम होता है, ट्रैक्टर को मशीन को ज्यादा नहीं घुमाना पड़ता मशीन, तो डीजल खपत कम हो जाती है। सर इसमें एक नया सिस्टम लगाया हुआ है, इसका क्या उपयोग है? ये ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे कि अपन समझे कि ये थ्रेशर का तो थ्रेशिंग का पार्ट हो गया, ऊपर मिक्सर में गई, फली अलग हो गई, उसका पत्ता वगैरह सब अलग हो गया, पर इधर से पूरा माल निकलने के बाद भी अगर कुछ कचरा रह जाता और किसान को और साफ माल चाहिए तो उसके लिए ग्रेडिंग मशीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट ऊपर न माल डालते हुए निकला हुआ माल वापस से डालेगा। तो ये जो चन्नों के माध्यम से माल फिर से सफाई होके और बाहर हो जाएगा, तो जो बचा हुआ कचरा है उसमें भी बाहर निकल जाएगा। किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और हमारे किसान भाइयों का भी।